झंडा फहराने और राष्ट्रीय गीत गाने की अनिवार्यता अपनी जगह है, लेकिन उसकी फोटो डालने की अनिवार्यता ने सियासत को गरमा दिया है। यूपी सरकार के बाद मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने मध्य प्रदेश के सभी मदरसों को 15 अगस्त पर झंडा फहराने और राष्ट्रीय गीत गाने के आदेश जारी किए हैं। और इस आदेश पर भोपाल के जामिया इस्लामिया तजुर्मे वाले मदरसे की तरफ से कहा गया है कि वो सालों से मदरसों में झंडा फहराते आए हैं, क्या सिर्फ फोटो ही उनकी देशभक्ति का सबूत होगा? मध्य प्रदेश में सैकड़ों मदरसे संचालित हैं। इन मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, मगर यूपी सरकार के बाद मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने आदेश जारी कर मदरसों को कहा है कि वे न सिर्फ अपने यहाँ झंडा फहराएं, राष्ट्रगीत गाएं, रैली निकालें, बल्कि उसका फोटो खिंचवा कर बोर्ड की साइट पर भी अपलोड करें। बस इसी बात से हंगामा बरप गया है। भोपाल के सबसे बड़े मदरसे जामिया इस्लामिया तर्जुमे वाले मदरसे की तरफ से कहा गया है कि मदरसों में सालों से झंडा फहराया जाता रहा है और उन्हें इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं खुशी के साथ, जो हर लिहाज से हमारे लिए एक जायज़ अमल है, तो जो काम हम करने जा रहे हैं झंडा बंधन के लिए, जो कोशिश हो रही है, जिसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, तो उसमें अगर फोटो खींचा जाए और वो पेश कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। झंडा वंदन और राष्ट्रगीत के फोटो अपलोड के आदेश पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि देशभक्ति दिल से होती है, महज फोटो अपलोड करने से किसी की राष्ट्रभक्ति न नापी जाए। स्कूल, मदरसे या कॉलेज की बात कहें तो हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी पर झंडे फहराए जाते हैं, जनगणमन और वंदे मातरम होता है। लेकिन आज विशेष तौर पर ये क्वेश्चन मार्क है कि आपने एक निर्देश दिए हैं कि झंडे मदरसों में फहराए जाएं और उसकी वीडियोग्राफी की जाए, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शंका की नजर से आप मदरसे बोर्ड वालों को देख रहे हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप उनके वोट लेते हैं तो आप शंका नहीं करते हैं, तो आज जब 15 अगस्त की बात आ रही है तो आप उन पर शंका की नजर से उनको क्यों देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने इस मामले पर कहा है कि कई मदरसों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराया जाता, इसलिए फोटो डालने की बात की गई है और फोटो अपलोड करने में क्या बुराई है। जैसे स्कूलों में झंडा वंदन होता है, मदरसा बोर्ड के अधिकारियों के संज्ञान में ये आया कि अनेक स्थानों पर मदरसा बोर्ड जो शासन के सहयोग से चलते हैं वहाँ पे बराबर झंडा वंदन का कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं हो पाता। हम 15 अगस्त को झंडा वंदन करें और तिरंगा लहराएं। प्रमाण इसलिए कि पिछले समय में विगत संज्ञान में ये बात आई और कई स्थानों पर मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, ये चीज नोटिस में आई। झंडा फहराने और राष्ट्रगीत के फोटो पर बयानबाजी तेज होती जा रही है, लेकिन यहाँ सवाल दो उठते हैं। पहला कि क्या सिर्फ फोटो डालने से ही राष्ट्रभक्ति साबित होगी, और दूसरा फोटो अपलोड करने की बात की जा रही है तो इसमें आपत्ति क्या है।